नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों आप सभी को बता दें कि एक इच्छाधारी नाग आ चुका है आपका घर। जी हाँ दोस्तों, समय रहते हो जाइए सावधान। और दोस्तों इन तीन बातों को बिल्कुल ही ध्यान में रखें। जी हाँ दोस्तों, आने वाले 2 से 3 दिनों के अंदर आप सभी के जीवन काल में या नाग देवता जो बड़े चमत्कार करने वाले हैं दोस्तों, सुनकर आपके रोम रोम खड़े हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आने वाले 72 घंटों का समय, 2 से 3 दिनों का समय जीवन काल के सबसे बड़ा वरदान साबित होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि सावन का पावन महीना चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, और ऐसे में भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद सभी भक्तों की जीवन काल में प्राप्त होते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब से सावन का महीना प्रारंभ होता है भगवान भोलेनाथ का दिन प्रारंभ हो जाता है। भगवान भोलेनाथ के सभी भक्त उनके लिए बहुत सारी पूजा अर्चनाएं करते हैं, उनके प्रति बहुत ज़्यादा श्रद्धा भी दिखाते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो भक्त सहमत होते हैं वह उनके दरबार में जाते हैं, और दोस्तों जो सहमत नहीं होते हैं वह घर से ही ईश्वर को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, और दोस्तों भगवान शिव श्रद्धा को देखते हैं और सभी को वह अनुचित परिणाम प्राप्त करवाते हैं। और जी हाँ दोस्तों, और यह समय स्वयं भगवान भोलेनाथ आप सभी के घर पधार चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके कर्मों को फल देने के लिए। जी हाँ दोस्तों, आने वाले 3 दिनों के अंदर जो ग्रहों की तिथि भगवान भोलेनाथ बनाने वाले हैं दोस्तों, यकीनन आप सभी के जीवन काल में वरदान से कम नहीं है। इसीलिए दोस्तों कहते हैं कि 3 दिनों के अंदर आप 3 बातों का विशेष ध्यान रखें और कुछ उपाय को कर दें। जी दोस्तों, आपको बता दें कि घर में ही आपका ये उपाय भगवान भोलेनाथ को इतना प्रसन्न करेगा कि दोस्तों आने वाला पूरा जीवन बिल्कुल ही बदल जाएगा। जी दोस्तों, तो दोस्तों आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। दोस्तों इन्हें आप बिल्कुल ही मिस करने की गलती ना करें और जीवन काल के थोड़ा सा महत्वपूर्ण समय निकाल कर इन्हें अंत तक देखिएगा। दोस्तों इस वीडियो में हम सभी महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में बात करेंगे कि दोस्तों आने वाले 3 दिनों के अंदर या नाग देवता आप सभी के जीवन काल में कौन कौन से बड़े बदलाव करेंगे, जो ग्रहों की स्थिति बनाएंगे उनमें आपका लव लाइफ, स्वास्थ्य, करियर और प्रत्येक क्षेत्र में कौन कौन से सुधार करने वाले हैं, साथ ही कौन सी विशेष सावधानी आपको रखने की इसमें आवश्यकता होंगी, कौन से उपाय को आपको इसमें करने चाहिए ताकि दोस्तों आपको लाभ की प्राप्ति हो, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त हो, तो दोस्तों अंत तक देखिएगा। उससे पहले दोस्तों, जो भी भगवान भोलेनाथ के परम भक्त हैं दोस्तों, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर ही करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे हृदय भाव से हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। भोलेनाथ भंडारी की कृपा बरसेगी, जीवन काल में खुशियां प्रारंभ हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो आइए दोस्तों बात करते हैं, शुरुआत करते हैं भोलेनाथ के एक बहुत ही अच्छे महिमा से। दोस्तों एक बार भगवान भोलेनाथ के एक छोटे से भक्त बोलबम जा रहे थे दोस्तों, उनके पैरों में छाले पड़ गए थे। दोस्तों उनके साथ चल रहे माता पिता उन्हें कह रहे थे कि चलो मैं तुम्हें अपने गोद में लेकर जाता हूँ, पर दोस्तों वह बच्चा उस छाले के साथ हंसकर उनके साथ कदम पर कदम मिलाकर चल रहा था। लेकिन दोस्तों वहाँ पर चलने वाले सभी यात्रियों के होश उड़ गए कि कैसे यह बच्चा पैरों में छाले होकर भी हंसते हंसते चल रहा है। लेकिन दोस्तों इन्हीं के बीच भगवान भोलेनाथ का अवतार बोलबम के ही यात्री के रूप में भोलेनाथ वहां पर आते हैं और उन्हें बताते हैं कि इस बच्चे को कुछ नहीं होगा, इनके ऊपर महाकाल का साया चल रहा है। तो दोस्तों वहां पर जितने भी व्यक्ति यात्री थे सभी के होश उड़ गए और कहने लगे बोलबम बोलबम। जी दोस्तों, और सभी के मन में ईश्वर के प्रति जो भी आस्था थी और बढ़ गई और सभी चलने लगे। जी दोस्तों, तो दोस्तों भोलेनाथ का यह महिमा अगर आपको अच्छा लगा हो, पसंद आए हो, तो दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक करें और इनके लिए कमेंट बॉक्स में दें जय भोलेनाथ हर हर महादेव। तो आए दोस्तों से शायद बात करते हैं कि यह नाग देवता जो आपके घर आ चुके हैं, आने वाले 3 दिनों के अंदर आप शिव के जुनकाल में कौन कौन से परिणाम देने वाले हैं, कौन कौन सी विशेष सावधानी आपको रखनी होगी और साथ ही कौन से महा उपाय आपको करने चाहिए, आपका लव लाइफ, स्वास्थ्य, करियर, प्रत्येक क्षेत्र में कौन कौन से बड़े बदलाव होंगे, तो दोस्तों सभी बातें बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होंगी, आप इन्हें अंत तक देखिएगा, मिस करने की भूल बिल्कुल ना करें। तो आइए दोस्तों बात करते हैं पूरे विस्तार से। दोस्तों यह समय
नई योजनाएं बनाने तथा नए उपक्रम करने के लिए जो समय होंगे अनुकूल समय होगा। इसके साथ ही दोस्तों यश में आपको अपने मेहनत के व फिर प्रयास के सार्थक परिणाम भी हाजिर होने वाले हैं। राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों में भी यश में आपकी विशेष पहचान बनेगी। किसी मूल्यवान उपहार की प्राप्ति की भी संभावना बन रही है। तो दोस्तों यश समय का सदुपयोग करें और सभी समयों का जो उचित लाभ उठाएं। इसके साथ ही दोस्तों यश में अगर आपकी सावधानी को लेकर बता दें तो दोस्तों यश में दूसरों की बातों में ना आए। दोस्तों आपका कोई नजदीकी मित्र ही आपकी परेशानी का कारण बन सकता है, तो दोस्तों इस मित्रों का आपको इसमें छानबीन करना चाहिए। भाइयों के साथ यश में संबंध मधुर बनाकर रखें। धर्म के नाम पर आपसे कोई पैसा भी तड़प सकता है। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें अभी तक की हुई मेहनत का फल आपको प्राप्त होगा। जो बातें आपके लिए सही है उन्हीं बातों पर टिके रहना आपके लिए इसमें संभव होगा। दोस्तों आपको बता दें कि यश में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का जो आपका प्रयत्न है आपके द्वारा जारी रहेंगे, फिर भी दूसरों द्वारा सहयोग प्राप्त न होने की वजह से आपको थोड़ा सा दुख हो सकता है। लेकिन दोस्तों यश में आपको दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, खुद पर संयम होकर आपको आगे बढ़ना चाहिए। इसके उपरांत दोस्तों यश में चल रही किसी पारिवारिक चिंता का समाधान भी यश में मिलेगा तथा आप तनाव मुक्त होकर अपने अन्य कार्यों के प्रति भी ध्यान लगा पाएंगे। दोस्तों घर में मेहमानों की आवाज जाहिर रहेगी। युवा वर्गों को विभागीय परीक्षा व फिर नौकरी आदि से संबंधित कार्यों में भी सफलता मिलने की संभावना बन रही है। इसके साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि लोगों के साथ संपर्क स्थापित करते समय मर्यादा का भी आपको अवश्य ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों जरा सी लापरवाही आपसे आपकी मान सम्मान में कमी ला सकती है, तो इन पर ध्यान दें। समान विचारधारा तथा सकारात्मक लोगों के संपर्क में रहें, इससे आपकी मन स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन आते रहेंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होगी। दोस्तों आपको बता दें कि अपने सीमित विचारों के दायरे को बढ़ाना आपके लिए यश में संभव हो सकता है। मित्रों द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त होने की वजह से जीवन में किस समस्या पर पहले काम करना है यह बात भी आपको पता चलेंगी। भले ही अभी परिवार से नाराजगी बन रही हो, लेकिन दोस्तों मित्र परिवार द्वारा आपको पूरा सहयोग भी यश में प्राप्त होगा। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे। आपको बता दें कि दोस्तों यश में ग्रह गोचर आपके लिए अनुकूल चल रहा है। घर में धार्मिक आयोजन की संबंधी कोई कार्य भी संपन्न हो सकते हैं, जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी। दोस्तों यश में मेहनत और लगन के कार्यों को पूरा करने का प्रयास करें, बेहतरीन सफलता आपका इंतजार कर रही है और यह सफलता आपको इसमें मिलने वाली है। आपको बता दें कि विद्यार्थी का भी अपने अध्ययन के प्रति आकर्षित होना उन्हें सफल करेगा। इसके साथ ही दोस्तों यश में अगर प्रॉपर्टी संबंधी कोई प्लान कर रहे हैं तो दोस्तों यश में उस पर कार्रवाई ना करें, क्योंकि दोस्तों ये जो समय है आपके लिए उतना अनुकूल नहीं होगा। किसी भी कार्य को करने से पहले यश में पूरी तरह योजना का जो है रूपरेखा बना लें, ये आपके लिए जरूरी होगा। घर के बुजुर्गों के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, ये आपके लिए आवश्यक होंगे। आपकी सेवा का भावना जो है उन्हें प्रसन्न रखेगी, तो इन पर जरूर ध्यान दें। इसके साथ दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगी। आपको बता दें कि अपने लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ने की आपको आवश्यकता होगी। यश में ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से कुछ गलतियां भी आपके द्वारा हो सकती है, इसलिए निर्णय लेते समय हर निर्णय को दोबारा परख कर आगे बढ़ें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। साथ ही दोस्तों आपको बता दें यश में आलस्य से दूर रहें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे। आपको बता दें कि प्रॉपर्टी की खरीद प्रोक्ष संबंधी कार्यों के लिए जो दिन होंगे उत्तम दिन भी होगा। घर तथा व्यवसाय में इसमें संतुलन बना रहेगा। परिवार तथा बच्चों के साथ अमोद प्रमोद व फिर मनोरंजन में खुशनुमा समय भी आपका व्यतीत होगा। इसके उपरांत दोस्तों आपको बता दें कि बच्चे की किसी नकारात्मक गतिविधि का पता चल सकता है, जिसकी वजह से कुछ चिंता भी होना स्वाभाविक है, परंतु परिस्थितियों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने का प्रयास करें। यह समय मित्रों के साथ मेलजोल में आपका समय भी व्यर्थ होगा, इसलिए दोस्तों यश में इनसे दूरी बनाकर रखें। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए सुनेंगे। आपको बता दें कि दोस्तों यश में खर्चे बढ़ने की वजह से आपको थोड़ी सी चिंता हो सकती है, लेकिन पैसे से संबंधित सभी काम आपके वक्त से पहले पूरे भी होंगे। निर्णय लेते समय सतर्कता बरतने की आपको यश में आवश्यकता होगी। भाई दोस्तों इसके साथ बात करते हैं कि यश में आपको कौन से उपायों को करना चाहिए। दोस्तों अगले 2 से 3 दिनों के अंदर आप अपने घर में दूध और बेलपत्र एक कटोरी में लेकर दोस्तों अपने छत के ऊपर रख दें, या फिर घर से बाहर ऐसे स्थान पर रख दें जहां पर छोटे छोटे जानवर आते हो, छोटे छोटे कीटनाशक वस्तुएं आते हैं,
जो दोस्तों इसी जगह पर रख दें जब वह ग्रहण कर लेंगे। तो दोस्तों यकीन कीजिए ये आपके जीवन के सबसे बड़े वरदान, आपका सफल हो जाएगा, जीवन काल में कल्याणकारी स्थितियाँ आपको मिलती रहेंगी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज का यह वीडियो पसंद आया है, पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।